दिल्ली राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री पहुंचे खटीमा। बताते चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं बीती शाम को दिल्ली राज्य सरकार आप पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय खटीमा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री राय ने मीडिया को बताया कि भाजपा और कांग्रेस ने बार बार जनता से धोखा किया है। साथ ही कहा कि हमने दिल्ली में वादा किया और पूरा किया, अगर उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी तो जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। वहीं खटीमा विधानसभा आप पार्टी प्रत्याशी SS कलेर ने कहा कि चुनाव प्रचार में जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। साथ ही कहा कि हम बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई सब मुफ्त करेंगे। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आती है इसलिए हम गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। इसलिए तो जनता हमारे साथ है, क्योंकि जिन्होंने बार बार आजमाइश की उनसे ऊब चुकी है, उनके कामों से, वादों से और धोखों से। बार बार कांग्रेस ने वादा किया, धोखा किया, भाजपा ने वादा किया, धोखा किया, इसलिए लोग नई पार्टी को पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस भाजपा वादा करती है और पूरा नहीं करती है। केंद्र सरकार ने वादा किया था 15 लाख खाते में आएगा, नहीं आया। हमने पहले दिल्ली में काम किया और आज उत्तराखंड में हम वादा कर रहे हैं कल हमारी सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में भी हम काम करके वादा। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा, जनता सब चुकी है। आज तक हम भाजपा को वोट देते थे, भाजपा के मंत्रियों की प्रॉपर्टी बढ़ती थी, पैसा बढ़ता था, खजाना बढ़ता था। कांग्रेस को वोट देते थे, उनका खजाना बढ़ रहा था, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। इस बार झाड़ू को वोट देंगे तो जनता का खजाना बढ़ेगा, जनता को फायदा होगा। आप कांग्रेस भाजपा पे कोई यकीन मत करिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी यही भाजपा गले में लौकी डाल के, बैंगन डाल के रोज प्रदर्शन करती थी, महंगाई महंगाई कहती थी। आज भाजपा वही कर रही है। इनका दोनों का बी और सी का आपको बताई दिया जो साफ किताब है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। भाई जो भाजपा कांग्रेस की इतनी जगह सरकार रही वहाँ क्यों नहीं दिया आज तक? कहीं दिया तो तब कह दो इनकी सरकार रही है। देखो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उसने जो कहा है वो किया है। गारंटी जो दे रहे हैं हम इसीलिए दे रहे हैं, वो गारंटी कार्ड बना रहे, उनको पता है हमने झूठा वादा करना है, जबकि उनको मजबूरी में आम आदमी पार्टी के सिस्टम पर उतरना पड़ा और आम आदमी पार्टी वाले काम जो है वो गिनाने पड़ रहे हैं। तो बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई मुफ्त सर? बिल्कुल मुफ्त, बच्चों की शिक्षा पूरी मुफ्त। वही बात, हम शिक्षा के नाम पे वोट मांगेंगे, इनकी तरह दारू दे के या पैसा दे के कम्बल बांट के वोट नहीं मांगेंगे। क्योंकि जिस परिवार की गरीबी है, गरीबी हिंदुस्तान की उस दिन दूर होगी जिस दिन हर बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस करने लग जाएगा, उस दिन उस घर की गरीबी भाग जाएगी और इस देश को अपने आप आगे बढ़ने